टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। कैसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं यानी बचा सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन रेफर्स टू बेटर यूटिलाइजेशन फॉर अवेलेबल नेचुरल वाटर रिसोर्सेज एंड टू मेक एन इकोनॉमिक यूज ऑफ अवेलेबल वाटर। हम वाटर कंजर्वेशन के द्वारा हम पानी को बचा सकते हैं और हम इसको काफ़ी लंबे समय तक उसको यूज़ में ला सकते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन फॉलो, हम कुछ ऐसे स्टेप्स जिसके बारे में जानेंगे जिससे हम पानी को बचा सकेंगे आने वाले समय के लिए। फर्स्ट, यूज़ ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर यू एक्चुअली नीड। हमें उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए जितने हमारे लिए रिक्वायरमेंट हो। सेकेंड, मेक यूज़ योर वाटर पाइप एंड लीक फ्री। हमें ये भी चेक करना चाहिए कि हमारा वाटर पाइप कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से भी पानी हमारा लॉस होता है। मैनी होम्स हैव लीकिंग पाइप्स दैट गॉट अननोटिस्ड। और कई घर में ऐसा भी होता है पानी लीकेज करता रहता है पाइप के द्वारा, फिर भी उस पर नोटिस नहीं करते हैं। थर्ड, डो नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ और सोपिंग योर फेस। कभी भी टैप को आप खुला ना छोड़ें जब आप ब्रश करें या फिर मुँह को धोएं। वाइल वॉशिंग द कार यूज़ वाटर फ्रॉम अ बकेट एंड नॉट अ हॉस पाइप। आप कभी भी अगर कार को धोएं तो आप बकेट के अंदर पानी लें और तब उसको धोएं, ना कि पाइप से। थर्ड, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन स्टोर रेन वाटर इन वेरियस वेज। और रेन वाटर को हम बहुत तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ए सिंपल मैथड इज़ टू प्लेस अ ड्रम ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म डायरेक्टली अंडर द रेन वाटर कलेक्शन सोर्स। और हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को इसके वजह से भी हम रख सकते हैं, रेन वाटर को इस कलेक्शन के हिसाब से। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वाटर इन बकेट ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। और हम क्या कर सकते हैं, रेनी वाटर के अंदर जो रेनी सीज़न के अंदर हम एक बकेट को भी रख सकते हैं बाहर में, जब वो रेन जब पड़ेगा तो उस बकेट के अंदर पानी भी कलेक्ट हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। और हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को अपनानी चाहिए। बिल्ट डैम्स बर्न्स एंड टैंक्स टू स्टोर वाटर रेन वाटर। और हमें डैम बनाने चाहिए, टैंक्स बनाने चाहिए जिससे कि हम उसमें रेन वाटर को रख सकें। नाउ सेकेंड लास्ट पॉइंट, रिप्लेस लार्ज फ्लश टैंक्स इंटू स्मॉलर वंस। और जो बड़े बड़े जो टैंक्स हैं उसको हमें छोटे टैंक्स के फॉर्म में लाना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट, फॉलो ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन यूज़ करना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारे इरीगेशन में लो वाटर स्प्रिंकल फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ जहाँ पे जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे उतना ही पानी को पहुँचाया जाएगा। ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकल आर द मॉडर्न मेथड ऑफ द इरीगेशन। और ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकल मेथड ये मॉडर्न मेथड ऑफ द इरीगेशन है, और इसको हम यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा है, और इससे आपका जो वाटर इससे वेस्ट नहीं हो पाएगा। ये सारे तरीके थे जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं आने वाले समय में जो हम यूज़ करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।